हे गाइस, कैसे आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल की तरफ से आने वाले नए रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसमें बहुत ही बड़ी मात्रा में वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें टोटल 5,000 वैकेंसी है। तो इसका जो अप्लाई करने का जो डेट है वो आज से स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप इसमें एलिजिबल है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं बता दूँ कि इसमें 12th क्लास का भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। तो चलिए देखते हैं इसमें कुछ स्पेशल डेट के बारे में। तो आप यहाँ पे देखिए, जो अप्लाई करने का स्टार्टिंग डेट है वो 2 तारीख से है, जनवरी से, और यहाँ 7 मार्च तक लास्ट डेट है। इसमें जो ऑनलाइन फी पेमेंट करने का जो डेट है वो 8 दिन, मतलब फॉर्म भरने के लास्ट डेट से 1 दिन और एक्स्ट्रा आपको मिल जाता है। तो और इसका जो एग्ज़ाम जो होगा वो मई 2022 में होगा। दोस्तों, इसमें टोटल चार तरह का पोस्ट निकाली गई है और इसका पे स्केल का भी जिक्र किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले LDC, जिसका नाम लोअर डिवीज़न क्लर्क है, उसका 19,900 से लेकर के 63,000 तक जाएगा। दूसरा है पोस्टल असिस्टेंस PA, जिसका सैलरी आपको 25,000 से लेकर के 81,000 तक देखने को मिल जाती है। तीसरा है डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO, जिसमें 25,000 से लेकर के 81,000 तक मिलेगी। लेवल 5 में इसका 29,200 से लेकर के 92,300 तक मिलेगी। चौथा है डाटा एंट्री ऑपरेटर Grade A, जिसका पे स्केल 25,500 से लेकर के 81,000 तक आपको मिलेगी। दोस्तों, इसमें वैकेंसी कितनी आई है ये तो नहीं बताया हुआ, लेकिन हम बता रहे हैं, इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के चेक किए थे, इसमें टोटल 5,000 वैकेंसी आई हुई है। अगर हम बात करें इसमें कौन कौन सा कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, तो ऑल इंडिया का कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट का अगर हम बात करें तो 18 से 27 साल का कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकता है, और जो एज जो कंसीडर किया जाएगा वो 1/1/2022 के हिसाब से कंसीडर किया जाएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप ST/SC का कैंडिडेट है तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा 5 साल का, OBC का 3 साल, PWD जो अनडिजर्व है उसको 10 साल, PWD OBC को 13 साल, PWD ST/SC को 15 साल, एक सर्विसमैन के लिए भी 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। और बहुत सारे यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया, जो कि डिफेंस में काम कर रहे थे और डिसेबल है उसको 3 साल, 8 साल, 40 साल, इस तरह से आपको एज रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाएगा। अगर हम बात करें इसमें अप्लीकेशन फ़ी का, तो देखिए OBC और जनरल कैटेगरी को 100 रुपया लगेगा। साथ ही अगर ST/SC या फिर फीमेल कैंडिडेट या फिर एक सर्विसमैन है तो उसको अप्लाई करने का कोई पैसा नहीं लगेगा। और जो अप्लाई करने का जो फ़ी जो पेमेंट किया जा सकता है वो भीम UPI ऑनलाइन या फिर SBI ब्रांच से भी चलान कटा करके पे किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में भी जिक्र कर दिया गया, तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि बिहार एंड उत्तर प्रदेश में रहेगा, ईस्टर्न रीजन में रहेगा, कर्नाटक, केरल ये सब में रहेगा, मध्य प्रदेश नॉर्थन ईस्टर्न में रहेगा, वेस्टर्न में रहेगा, साउथ रीजन में भी रहेगा, वेस्ट रीजन में भी रहेगा। तो दोस्तों, ऐसा लगता है कि पूरा ऑल ओवर इंडिया में इसका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो रहेगा। बात करें अगर Tier 1 एग्जामिनेशन का, तो आपका CBT रहने वाला है, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, जो कि 25-25-25 क्वेश्चन रहेगा सब में, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। आपको टोटल 60 मिनट मिलेगा और जो कैंडिडेट डिसेबल है उसको 80 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, हम आपके लिए ऐसे ही जॉब का अपडेट लेकर के